राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम मुंबई बंदरगाह। सोनू और उसके चाचा जी समुद्री यात्रा पर हैं। सोनू के चाचा जी कैप्टन अशोक मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं। वे अक्सर सोनू को अपने साथ समुद्री यात्रा पर ले जाते हैं। आइए सुने इस बार अशोक और सोनू कहाँ की सैर करेंगे। चाचा जी वो देखिए, बाप रे कितनी ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। अरे अरे वो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। अरे ये तो सही में मुंबई है। मैंने गेटवे ऑफ इंडिया का जैसा चित्र देखा था ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल ठीक सोनू, तुमने एकदम ठीक पहचाना। हाँ। देखो भाई, अगर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा किसी ने तो उसने कुछ नहीं देखा। सच चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं। सुनो, आजादी से पहले की बात है। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज द फिफ्थ जब भारत आए थे तब उनके स्वागत में ये बनाया गया था। अरे वाह, क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं देख सकते भाई। गेटवे ऑफ इंडिया से पानी के जहाजों को आते जाते देखा जा सकता है। अच्छा चाचा जी, मैंने तो पढ़ा है कि पहले मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में था। भाई वाह सोनू, मानना पड़ेगा तुम तो बहुत होशियार हो। पर एक बात तुम नहीं जानते होगे। वो क्या? यही कि पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के राजा से की थी। अच्छा। और उस समय पुर्तगाली राजा ने मुंबई टापू इंग्लैंड के राजा को शादी के उपहार में दिया था। ये बहुत पुरानी बात है, जॉर्ज पंचम से भी बहुत पहले की। अरे वाह, शादी के उपहार में पूरा मुंबई ही दे दिया। हाँ, है ना मजेदार बात। सोनू और कैप्टन अशोक मुंबई बंदरगाह पहुंच गए हैं। जहाज से उतरकर सोनू आसपास के दृश्यों को देखकर कितना उत्साहित हो रहा है। चाचा जी वो देखिए, क्या इतनी सारी पेटियाँ? वो ये यहाँ क्यों रखी हैं? बेटा इन पेटियों में अल्फोंसो यानी हापुस आम है जो विदेशों में भेजा जाता है। अरे वाह, मुझे पता है, इसके अलावा भी बहुत सारा सामान विदेशों में भेजा जाता है। मैं बताऊं क्या क्या? हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और सिले सिलाए वस्त्र, सूती वस्त्र, अच्छा बिजली के उपकरण, ठीक खाद्य तेल और हाँ पेट्रोलियम के उत्पाद भी। इन सब का आयात और निर्यात मुंबई के बंदरगाह से होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सोनू बेटा, शाबाश। भाई तुम तो बहुत कुछ जानते हो। अच्छा सोनू, तुम्हें पता है मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का विकास भारत में सबसे अधिक हुआ था? पर चाचा जी मुंबई में ही क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि बंदरगाह होने की वजह से मशीनें विदेशों से यहाँ आसानी से मंगाई जा सकती थी। यही नहीं, यहाँ के क्षेत्रों में कपास भी ज्यादा उगती है। अच्छा। और नम जलवायु होने के कारण यहाँ धागा टूटता भी नहीं है। ठीक है। और हाँ एक बात और, यहाँ की पृष्ठभूमि से कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं। अच्छा। तो भाई वस्त्र उद्योग के लिए इससे अच्छी जगह भला और क्या होती। ये तो है। अब चाचा जी वो दूर उस तरफ समुद्र में आग जैसी क्या लगी है? ओह उसकी बात कर रहे तुम। हाँ। देखो बेटा ये वो स्थान है जहाँ पर कच्चा तेल निकाला जाता है। अच्छा। इस जगह को बॉम्बे हाई कहते हैं। अच्छा। ओ, कितनी भीड़ है, ढेरों सामान कहीं उतारा जा रहा है और कहीं चढ़ाया जा रहा है। देखो सोनू बेटा, यहाँ की पृष्ठभूमि औद्योगिक रूप से बहुत विकसित है। अच्छा। इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ है। और मुंबई बंदरगाह पर तुम ये जो भीड़ देख रहे हो ना सोनू, इससे पहले यहाँ कहीं ज्यादा भीड़ होती थी। अच्छा।
वो क्यों चाचा जी? वही इसलिए सुनो बेटा, क्योंकि उस समय बहुत सारे जहाज यहाँ आते थे और उन्हें कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ता था। तब कहीं जाकर जहाज से सामान उतरवाने या जहाज में सामान चढ़ाने के लिए वो बंदरगाह में पहुंच पाते थे। अच्छा, तो इसलिए एक और बंदरगाह की जरूरत महसूस हुई और तब नेवा शेवा बंदरगाह बनाया गया। मतलब ये कि नेवा शेवा बंदरगाह कुछ ही साल पहले बना है। यहाँ हर काम कंप्यूटर से किया जाता है। अरे वाह। हाँ, मशीनों का प्रयोग होता है इसलिए यहाँ काम जल्दी जल्दी होता है और भीड़ भी नहीं होती। हाँ। चाचा जी। हाँ? अब कहीं और चलें? कहाँ चलना है भाई, बताओ। हाँ, जुहू भी चलते हैं। क्यों? मुझे बहुत भूख लगी है। ओ, बहुत भूख लगी है इसलिए जाना चाहते हो। हाँ। तो चलो ऐसा करते हैं, आप चौपाटी चलते हैं। हाँ। और वहाँ जाके हम क्या खाएं? हाँ, वड़ा पाव। अरे वाह, चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए। भेलपुरी भी खिलाऊंगा तुम्हें। अरे वाह, चलिए चलिए चलिए। लो, सोनू और अशोक बीच पर समय बिताकर थोड़ी देर बाद वापस आ गए हैं। जहाज जाने को है। सोनू और अशोक चल पड़े हैं अगली समुद्री यात्रा पर। मुंबई बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, ध्वनिंकन चंदन सिंह, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।